एक्टिंग करने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो तैयार हो जाओ। 9 तारीख से 20 तारीख के बीच में इंटरव्यू का डेट आ गया है, सब लोगों को पता चल गया है, यानी 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको एक प्ले करना है। आप कमीशन के आगे जाएंगे, उनके इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे और थोड़ी देर तक एक्टिंग करेंगे। अब कहोगे इंटरव्यू का मजाक कर रहे हो आप? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूं, बहुत गंभीर हूं और बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि आप प्ले करने वाले हैं। उस दिन जितना अच्छा प्ले करेंगे और सामने वाले को जितना अच्छा पसंद आ जाएगा, दैट्स इट, आपका प्ले सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू है ये, मेरे इंटरव्यू है, याद रखिएगा। इस इंटरव्यू के लिए एक लंबा समय चाहिए, उस लंबे समय के लिए उतना टाइम आपके पास नहीं, ठोक पीट के तैयार करना है। और आप लोगों को अभी एग्जाम देना है 30 सितंबर का, मैक्सिमम लोग का लास्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट का लास्ट अटेम्प्ट है नहीं, तो उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना ही है और इस बार सीटें भी हैं, तो इसके कारण सब लोग एग्जाम दे ही रहे हो। तो सवाल उठता है प्री एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम जिसका 9 तारीख से, तो वो तो अपना, वो तो बेचारे सोच रहे होंगे मेरा तो 9 तारीख से, किसी का 20 को होगा, कितना लकी इंसान है जो उसका 20 का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 9 तारीख को है, आप कर लोगे। देखिए करना बस ये है कि प्री इंटरव्यू थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, दिमाग के अंदर रखिए कि हमें इंटरव्यू देना है, दैट्स इट। उसको लेकर थोड़े से हाव भाव के अंदर जो होता है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एटीट्यूड, वो थोड़ा सा लेके आना है, बस थोड़ा सा लेके आना है। और एक या दो मॉक दे दीजिए, कम से कम मेरे हिसाब से दो दे दीजिए, दो दे के रह जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दो मॉक दे दो काफी है। इसके अलावा दिमाग के अंदर अभी एकदम भूल जाइए कि आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी, जब 8-7-8 दिन भी बचेगा ना, देखो एक्टिंग ही करना है, सिंपल सी बात है, उस टाइम के लिए आपको तैयार होना है। आप कुछ भी कर लोगे ना, आप रियल नहीं हो सकते, तो आपको एक एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग करने के लिए उस बीच में जबरदस्त तैयारी करना, अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्टेज पे परफॉर्मेंस कीजिएगा, तो वो अलग अलग स्टेज पे जो परफॉर्मेंस करोगे, अलग अलग डायरेक्टर आपको देखेंगे, अलग अलग तरीके से आपके कमियां को निकालेंगे, आप उसको दूर कर लीजिएगा, एक प्ले बढ़िया तैयार हो जाएगा और जाके आपको परफॉर्म कर देना है, दैट्स इट। बट जब रियल स्टेज पे जाओगे तो वहां पे घबराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये जो एक्टिंग करनी है ना, उसमें एक डायरेक्टर हम भी हो सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंटरव्यू बिल्कुल फ्री चल रही है और इंटरव्यू की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। 21 तारीख से हम लोग इंटरव्यू की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको दो तीन तीन या चार क्लास भी मिलेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, उससे एक ओवरव्यू मिलेगा। साथ में प्री एग्जाम दो दो इंटरव्यू लेंगे सबका, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो दो इंटरव्यू लेंगे और आफ्टर एग्जाम फिर देखा जाएगा। आफ्टर जो पीटी का एग्जाम होगा उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनके लिए उनपे स्पेशल फोकस रहेगा, तो उनका इंटरव्यू चलता रहेगा जब तक ठीक। देखो हमारे यहां ऐसा नहीं है कि आपको हम दो करवाएंगे, चार करवाएंगे कि 10 करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक इंटरव्यू में ही ठीक है तो खत्म कहानी, दो लगता है कि दो की जरूरत है, तीन की जरूरत है, जो भी जरूरत है इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करना है बेसिकली, तो आपको तैयार करेंगे। हर एक चीज पे बात होगी क्लास के दौरान भी और इंटरव्यू के दौरान भी, पर्सनली हम लोग उसको करेंगे। तो जिनको भी लगता है, तो नीचे लिंक दिया गया, इस लिंक से जुड़ जाइए, पैसे खर्च नहीं करने हैं आपको, चिंता ना करो, और हम लोग वहां पे एक जबरदस्त इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। सक्सेस रेट हमने खूब, मैंने अभी तक हमारा सक्सेस रेट काफी अच्छा रहा है, इंटरव्यू मैंने कम लिया है बट रेट अच्छा रहा है। उसका कारण है कि वो जो बारीक चीज है ना, उसको पकड़ के हम आपको बता देते हैं, आप एक ही बार उसको खत्म करते हैं और सीधा स्टेज पे, और बढ़िया जाता है वो प्ले। तो तैयार हो जाइए इंटरव्यू के लिए और मेंटली अभी एग्जाम पे फोकस रखिए, दो मॉक दीजिए, बात खत्म है। तो जिनको भी इंटरव्यू के साथ जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।